हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ब्लॉक पेंटिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ब्लॉक रेडी करने हैं, न्यू ब्लॉक को किस तरह से यूजेबल करना है और किस तरह से कलर मिलाना है और किस तरह से हम इस पेंटिंग को कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सूट का बॉर्डर कैसे बनाना है और सूट का सारा डिजाइन पैटर्न आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। ब्लॉक पेंटिंग करने के लिए हमें तैयार करने होते हैं ब्लॉक्स जो हमने यूज करने होते हैं पेंटिंग के लिए। तो इसके लिए किसी भी ट्रे या प्लेट के अंदर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल डाल लीजिए और ब्लॉक का डिजाइनिंग वाला हिस्सा इसके अंदर इस तरह से रख दीजिए। ध्यान रखें, कम से कम इतना हिस्सा ऑयल के अंदर डूबना चाहिए और इसको कम से कम 24 घंटों के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये ऑयल को सोख सके। 24 घंटे के बाद हम ब्लॉक्स निकालेंगे जो हमने मस्टर्ड ऑयल में डाल के रखे थे। इसको अच्छी तरह से किसी कपड़े या कागज की हेल्प के साथ साफ करेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल उतार देंगे। हम ले रहे हैं ये वाला ब्लॉक और बनाएंगे सिल्वर डस्ट के साथ बॉर्डर। जिस कपड़े पे भी आपने पेंटिंग करनी है उसको पिंस के साथ फिक्स कर लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए कि उसमें कोई भी रिंकल ना हो और कपड़ा इकट्ठा ना हो। मैंने सॉफ्ट बोर्ड पे कपड़ा लगाया है ड्राइंग पिन के साथ। इसके बारे में, सॉफ्ट बोर्ड के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके। ये मैंने सिखाने के लिए कट पीस लिया है, इसके हिसाब से आपके सूट का पैटर्न बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सूट का बॉर्डर बनाना। इस तरह से आपने स्केल के साथ लाइन लगा लेनी है ताकि आपका बॉर्डर इधर उधर ना जाए। हम ले रहे हैं सिल्वर डस्ट, आप गोल्डन भी ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है। मैं ले रही हूँ सिल्वर डस्ट। इसको एक कटोरी में डालेंगे, इसमें डालेंगे बाइंडर। इसमें थोड़ा सा डालना है और इसको मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए हो गया है मिक्स, ये रेडी है। कोई भी ट्रे कुछ भी आप ले लीजिए जिसमें आप स्पॉन्ज रख सकें। इसको हम इसके ऊपर इस तरह से डाल के फैला लेंगे अच्छी तरह से। ये स्पॉन्ज इसको अच्छी तरह से सोख जाए। इस तरह से फैला लेंगे क्योंकि जो ब्लॉक है थोड़ा बड़ा है। इस तरह स्पॉन्ज के ऊपर हमने रख लिया है। इस तरह से इसको कलर लगाना है और अच्छे से इस लाइन के ऊपर इस तरह से बिल्कुल सीधा रख के इसको एक जगह पे टिका देना है। फिर इसको हिलाना नहीं है और इस तरह से इसको प्रेस कर देना है, ठीक है। अब जब इसको उठाना है तो हिलाना नहीं है, एकदम से इस तरह से उठा लेना है। फिर से कलर लगाया हमने और इस तरह से ऊपर और नीचे की लाइन को मिलाने की कोशिश करके मिलाना है और इस तरह से जो नीचे लाइन लगाई है उसके ऊपर रख देना है और हिलाना नहीं है। फिर इस तरह से हाथ से ठोकना है और इसको इस तरह से उठा लेना है। इन लाइंस को मिलाना है, एक दो बार की प्रैक्टिस में ही हो जाएगा। इस तरह से लाइन के ऊपर इस तरह से एकदम से रख देना है, ऐसे हाथ से या हैमर से लेके हल्का हल्का इसको इस तरह से प्रेस करना है, ठोक देना है। और जब इसको उठाना है
तो इस तरह से उठाना है एकदम से। नीचे वाली लाइन है जो सिंगल बॉर्डर है वो इसी डिज़ाइन से बनेगा, इस तरह से मैच किया और लाइन के ऊपर एकदम से रख दिया। और फिर इस तरह से उठा लेना है, ऐसे ऐसे। जब इसको उठाना है तो इस साइड से कपड़े को ऐसे दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए और इस तरह से उठा लीजिए। नीचे वाला जो सिंगल लाइन है वो पूरा हो चुका है। अब हम बनाएंगे दूसरा डिजाइन। हम ले रहे हैं ये वाला, कोई भी दूसरा डिज़ाइन आप ले लीजिए, बड़े साइज़ का ले सकते हैं, उसी साइज़ का ले सकते हैं। इसको भी उसी तरह से स्पॉन्ज पे रखेंगे, आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, मैं उसी कलर से बना रही हूँ। अब ध्यान से बनाना है, जो ये लाइन लगी है आपने इसको थोड़ी सी जगह छोड़नी है, तो आप मार्किंग कर लीजिए, बिल्कुल इसके साथ अटैच करना है। तो इस तरह से रख के सेम प्रोसीजर, यहाँ से कपड़े को थोड़ा सा दबा के इस तरह से उठा लीजिए। अगर आपने ये वाली लाइन के ऊपर लाइन बनानी है तो भी आप बना सकते हैं। आप ऊपर का डिज़ाइन किसी और कलर से और नीचे का डिज़ाइन किसी और कलर से भी बना सकते हैं। जब आपने एक बार रख दिया, अगर हल्का सा फर्क रह गया तो भी आपने हिलाना नहीं है, फिर आपका सारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा अगर आपने हिला लिया। अब हम बनाएंगे इसमें थोड़ा सा और डिज़ाइन। फिर मैंने 2.5 इंच की जगह छोड़ी है, अब मैं ऊपर फिर से बॉर्डर लगा रही हूँ, इसमें मैंने डिज़ाइन देना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम बनाएंगे ऊपर वाला बॉर्डर, हम बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। उसी तरह से फ्लावर पहले था, उसी तरह से डिज़ाइन को रखना है। ये देखिए ऊपर वाला हमारा कंप्लीट हो गया, बॉर्डर की लाइन मीन्स हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। इसमें डिज़ाइन है जो अब हम उसको फिल करेंगे एक अलग कलर से, तो चलिए उसके लिए करते हैं कलर तैयार। वही ट्रे या कोई प्लेट कोई भी आपने ले लेनी है, उसके अंदर अलग से फिर एक स्पॉन्ज रखनी है। पुरानी वाली दूसरी स्पॉन्ज नहीं लेनी है क्योंकि उसमें सिल्वर कलर है और फिर वो उसका इफेक्ट लेगा। ये हमने अलग से स्पॉन्ज का पीस लिया है, इसमें डालेंगे वो शेड जो हमने लगाना है। मैं ले रही हूँ दूसरा कलर, गोल्डन येलो कलर। आप कोई भी कलर ले सकते हो जो आपको अच्छा लगता है या आपकी ड्रेस के साथ मैच हो रहा है।
अब मैं ले रही हूँ ये वाला ब्लॉक, उसी तरह से कलर लगाएंगी इसको। ये जो बीच में मैंने जगह छोड़ी थी इसीलिए छोड़ी थी, ऊपर और नीचे से या तो आप मार्किंग कर लीजिए या आइडिया से इस तरह से एक जगह पे टिका दीजिए। उसी तरह से हैमर से हल्के हल्के या हाथ से जोर से इस तरह से प्रेस कर दीजिए और इसको उठा लीजिए। उसके बाद एक यहाँ पे लगाएंगे, आपने इसको स्टैम्प करने से पहले हर बार कलर लगाना है और अच्छी तरह से लगाना है, फिर उतनी जगह छोड़ के एकदम से ऐसे टिकाना है, इसको हिलाना नहीं है। फिर अगर आप इसको हिला देंगे लगाते समय, थोड़ा सा भी हिल गया तो डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन आ जाएगा, सारा ख़राब हो जाएगा। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे रखा गया है फिर भी आपने हिलाना नहीं है। ये हमारे सूट का बॉर्डर रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे ऊपर की डिजाइनिंग, उसके लिए हम लेंगे एक और अलग ब्लॉक। ये वाला ब्लॉक लिया है मैंने सिल्वर डस्ट के साथ, जो हमने ये वाला यूज किया है उसी तरह से यूज कर रही हूँ। इसको इस तरह से रख के अब हमने ये वाली चीज़ है जो इसी को इसी के साथ अटैच करना है। इस तरह से इतनी सी जगह छोड़नी है, जितनी जगह हमने यहाँ पे छोड़ी है उतनी जगह ही हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ये जो फ्लावर है, फ्लावर वाला हिस्सा मैं नीचे रख रही हूँ। इसका फ्लावर वाला हिस्सा मैंने नीचे रखा है, अब जो इसके साथ दूसरा अटैच करूंगी उसका फ्लावर ऊपर आएगा, मींस इसका भी लास्ट पे, उसका भी लास्ट पे आएगा। ये वाली चीज के साथ हम ये वाली चीज इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखिए ये वाली जो चीज है इसके साथ हम ये अटैच कर रहे हैं, ये फ्लावर लास्ट में था, उसका भी ये फ्लावर जो है वहां लास्ट में आएगा। देखिए इस तरह से इसको आप ऊपर नेक तक बनाएंगे। मैंने ये पीस लिया है कपड़े का, सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैं इसका पैटर्न बना रही हूँ। आपने ये शोल्डर तक लेना है, यहाँ तक ये डिज़ाइन ऐसे सीधा आके यहाँ पे ख़त्म होगा। तो दूसरी साइड भी बनाते हैं हम, उसी तरह से जितनी जगह छोड़ी है छोड़ के इसको रख देना है। बिल्कुल सेम बनाना है हमने इसी पॉइंट को, इस तरह से। थोड़ी सी जगह छोड़नी है क्योंकि उस साइड पे छोड़ी थी। अगर आप चाहो तो इसको साथ में जोड़ के भी बना सकते हो, इस साइड को भी ऊपर शोल्डर तक लेके जाना है। अब हम बनाएंगे ये बीच में जगह खाली है, यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे। इस सूट के अंदर मैंने 5 तरह के ब्लॉक यूज किए हैं, 4 मैं आपको लगा के दिखा चुकी हूँ, 1, 2, 3, 4। और इस खाली जगह में मैं छोटा सा ब्लॉक और यूज कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला। अब मैं बनाऊंगी येलो कलर लेके इसके साथ इसके अंदर डिजाइन। हमने वही कलर लेना है जिसके साथ हमने ये वाले फ्लावर्स बनाए थे, वही गोल्डन येलो कलर मैंने लिया था, वही ले रही हूँ। आपने जो भी कलर यूज किया है वही कलर लीजिए।
ये वाला ब्लॉक लिया मैंने, इस तरह से कलर लगाया, मार्किंग कर लीजिए, इसके बिल्कुल सामने लगा रही हूँ, जितनी जगह यहाँ पे छोड़ी है नीचे से उतनी छोड़ रही हूँ यहाँ पे, इस तरह से। एक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, अगर आप चाहो तो यहाँ यहाँ पे भी लगा सकते हो, जितना आपने भरना है डिजाइन को भर लीजिए। अब मैं लगाऊंगी इसके सेंटर में, मींस के यहाँ पे जो दो लगे इसके अंदर एक, नीचे तीन की लाइन है, तीन फ्लावर की, ऊपर दो की बनेंगी। अब इसके सामने यहाँ पे एक, फिर इसके सामने यहाँ पे एक, इसके सामने यहाँ पे एक, इसके सामने यहाँ पे। ये हमारा पैटर्न ऐसे ही चलेगा, ये वाली लाइन जहां तक जाएगी वहां पे तीन दो तीन दो तीन दो का डिजाइन चलता जाएगा। जहां पे हमारा नेक कटेगा, यहाँ पे हमारा नेक कटेगा, उसके ऊपर यहाँ पे आके ये जो फ्लावर है जो हमने अभी येलो वाले लगाए, ये सिंगल सिंगल वन वन फ्लावर आएगा, और इस तरह से हमारा जो सूट का पैटर्न है वो रेडी हो चुका है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको बनाना बहुत ही इजी है, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। इस डिज़ाइन को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी, और साथ में बनी घंटी को दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप तक तभी पहुँच जाए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।